हमारे पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, की के एम पी एम एन ए जो भी है ना जाने क्या है हमने उनको ऑनलाइन लिया है और पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक के, के जुल्म और सितम के बारे में वो क्या कहते हैं असल डॉक्टर साहब वालेक वरम एक बार फिर खुश आहमद भाई आप पहले मुद्दे की बात करें आपने किस तरीके से क्या बात क्या बात करनी थी आपने आप डिग्री को बीच में लिया है यार आपसे हज़ार मरतबा का है जो मुद्दे की बात है वो मुद्दे की बात करें आपको पता है कि हालत क्या हो गई यहाँ पर बैठे बैठे आप देख रहे हैं ये कोई पानी नहीं है ये पसीना है ये कराची वालों का पसीना है ये के इलेक्ट्रिक वालों की मेहरबानी है आप तो अपने स्टूडियो में सुकून से बैठे हुए हैं बड़े मजे से आपने ए सी हुआ है लेकिन हमें तो परेशानी ना कराची का बेटा कहाँ जाए कराची का बेटा बाहर जाए बाहर करो ना फिर रोना फिर धोना फिर बंदा कहाँ जाए ये बताएं मुझे कहाँ जाए अभी गायों के पीछे जाए किसके पीछे जाए फिर आप बात करते हैं यार बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने डॉक्टर साहब लेकिन ये बताइएगा कि इस इस मसले का इस मसले का हल क्या है कराची के अवाब कब तक ये जुल्म सहती रहेगी कि इलेक्ट्रिक वालों की जानब से क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इंसाफ का ये वादा है कि हम तब्दीली लाएंगे क्या कहेंगे आप यार आप चाहते क्या हैं ये बताएं मुझे हैं आप चाहते क्या हैं मुझे वो बताएं कि आप आप तो यार मुझे समझ में नहीं आ रहा आप इंसान हैं फफा कूटनी है हैं है? आप तो मुझे फफा कु लग रही है जो मोहल्ले में लड़ाइयाँ करवाती हैं आपकी वजह से कितने घर खराब हुए आप क्या चाहते हैं हैं आप ये चाहते हैं कि आपके मोहल्ले की जो आपकी हरकतें हैं वो यहाँ भी चले आप तो स्टूडियो में बैठ के लोगों को लड़वा रहे हैं ना क्या क्या तजवीज़ क्या दूँ मुझे बताएं सही मैं क्या बताऊँ मैं क्या एनालिस्ट करूँ मुझे ये बताएं मुझे ये बताएं ना कराची कराची किस वक्त ये ये पसीने से नहाया हुआ कराची है ये हाल देख रहे हैं ये हालत जार देख रहे हैं बताएं ना मैं क्या तजवीज़ दूँ बताएं मुझे